गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। अभी हम जाके कपड़े चेंज कर लेंगे नाश्ते के लिए। नीचे बुलाया है तकरीबन 6:30-7 हो रहे हैं, और नाश्ते के लिए नीचे बुलाया तो वो कह रहे हैं कि आप लोग मतलब रेडी हो जाओ, तो कपड़े चेंज वगैरह करके नाश्ते के लिए जाते हैं। और तब तक टाइम वॉच वगैरह देख लो आप लोग। रूम बल्कि नहीं दिखाया मैंने आप लोगों को अपना, ये है रूम जो हमें दिया था, ये मैक बड़ा। रेडी होते हैं फिर चलते हैं बता। चलो चेंज करते हुए नहीं दिखा सकते। ओके तो बस आई एम रेडी। ऐसे नहीं देखो, ऐसे देख लो। ए तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कैसा लग रहा हूँ? प्यारा लग रहा हूँ, प्यारा होऊंगा तो लगूंगा ना। खैर मोदिस हो गए रेडी, हम भी रेडी हैं। तो अब हम जाने लगे हैं नीचे नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। अभी भाई साहब मैं इन्हें बाल भी धोई नहीं है। अभी भाई साहब उठे, हमारी नींद अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उठ गए हैं। और मतलब सुबह उठे, सुबह यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था, लेकिन ना तो मेरी आंख उठी है, आंख खुली थी लेकिन मैंने व्यू कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा चलो अभी 2 मिनट बाद उठता हूँ, फिर सो गया। फिर सोने के बाद फिर 6:30-7 बजे उठा। तब तक जो सूरज निकलना था वो सूरज ही चला गया, वो वापस चला गया। उन्हें कहा उल्टा टाइम लैप्स बनाओ। हाँ बाकी हमारी चीजें मोदी रेडी हैं, बस बैग वगैरह इसको अगर हमें पैक कर लें, उसके बाद नीचे जाते खाना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर आगे सवाद फॉरेस्ट वगैरह है कोई, वहाँ पर सवाद कह रहे हो कलाम की तरफ, वो देख करते हैं। ओके उशू फॉरेस्ट होगा। ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा, ओए ओए माशाल्लाह, इसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। और ये देखो ये भी ब्यूटी है पाकिस्तान की, ये भी ब्यूटी है पाकिस्तान की। ओ आप लोगों ने एक चीज़ देखी नहीं भाई, इसके ऊपर स्ट्रेट पाइप हुआ पड़ा है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। रात को यहाँ पे बोनफायर चल रही थी, उसने आके वो शोर किया, सारे लड़कों को ट्रैक नहीं किया, मुझे सिर्फ किया, क्योंकि सारे अपने मसरूफ थे। हम भाई रहे थे ऐसे, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ रहते, लेकिन मुझे उनका घर याद नहीं आ रहा, होटल के बिल्कुल पास ही थे। तो ये देखो यहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर सारी, ये भाई आपको 10 से 12-15 लाख के अंदर इजीली गाड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपसे सवाद के अंदर चला सकते हैं, सवाद से बाहर नहीं जाओगे। बस अभी नाश्ता करते जाके फिर रिटा भी करना। ये दरिया होता था बड़ा प्यारा, मतलब यहाँ पे पानी होता था, ये सारा पानी था, ये सूखा हुआ है इस टाइम। और इधर कहीं मतलब ना मेरे रिलेटिव्स रहते थे, मुझे उनका घर नहीं याद, क्योंकि हम मुझे याद है यहाँ पे नहाने आया करते थे, लेकिन अब इतने सालों बाद आया मुझे नहीं याद उनका घर, क्योंकि उन्होंने नया घर तब यहाँ पे बनाया था, पुराना मुझे याद है कि वो आ गया, ये नया उन्होंने बनाया था, यहाँ पे ज़मीन वगैरह ली थी, लेकिन अब वो नहीं मिलती याद। चलो वैसे देख लो वो फिजा घट है, वहाँ पे पार्क होता है, तब यहाँ पे ना बोट चलती है, वो चारपाई वगैरह को ना इस तरह करके, वो फिर पानी के ऊपर ट्यूब्स लगा के ऊपर चार पे रख के इस तरह बोर्ड बनती है, फिर वो दरिया के साथ आपको चक्कर वगैरह लगा के देते हैं, सारे एंजॉय करते हैं। फिर चलते हैं आज का नाश्ता गर्मा गर्म, ये मजे के आलू चने आंडे, हलवा कल नहीं दिया इन्होंने, आज दे दिए, हमें नहीं मिला बल्कि कल आया था, कहाँ सा पराठे दे दो हम निकली बैठे। चलो खाते हैं बच्चे नॉन कस्टम, ड्रिफ्टिंग इशू। हाँ यार बैक रेयर व्हील है, इतनी नहीं तैयार, इसका स्ट्रेट पाइप हुआ था किधर है ये रहा। चलो यार मोदिस गाड़ी रेडी कर, चले फिर मैं बैग वगैरह लेके आ रहा हूँ। ओह सॉरी गलत फहमी होगी। ओके यार बैग वगैरह हम पकड़ने जा रहे, तो देखते निकलते हैं फिर।
क्या बर्फ डाली है पाइट से पकड़ी है बर्फ लगी जी तो गाइस पहुंच गए सवात कलाम ये कलाम ओहो ये हमारा होटल इतना बड़ा तो नहीं है जो भी इतने बच्चे होंगे अभी और बसें आनी है वो आई नहीं बाकी अच्छी जगह है यार रास्ता एंजॉय किया होगा आप लोगों ने चल भाई साहब ये दीवारें इस टाइम फुल ठंडी हैं और ये भी फुल ठंडा है फर्श भी फुल ठंडा है और ये भी फुल ठंडा है और ये उधर बाजार के अलावा इधर कुछ नहीं है तो मूड बन रहा है कि हम चलते हैं ऊपर ऊपर जीप्स वगैरह में जाएंगे जाके माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर है टेम्परेचर इधर भी माइनस में ही होना है माइनस में इधर नहीं है लेकिन सर्दी इतनी इधर तो नहीं है तो इस टाइम भाई भला क्या सीन है सीन कुछ यूँ है कि उशू फॉरेस्ट बल्कि ये रहा फॉरेस्ट इसकी बात नहीं कर रहे यही है बस अच्छा हमें ना एक लाहौरी के मुल्तानी मिला था बट कढ़ाई पे हमने उससे चाय के लिए पूछा था तो कह रहा था आगे चाय है तो ऊपर से उसने हमने फिर ये फॉरेस्ट के बारे में पूछा वो हमें कह रहा है कि ना बताते दूर है 15 मिनट का रास्ता है पैदल और 1200 रुपये ले लेते हैं तो फिर आगे हमने खान से भी पूछा वो कह रहा है कि 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से पैदल जाने का तो देख लो हम देखते क्या करना है क्या नहीं करना वैसे अगर 15-20 मिनट का रास्ता है तो फिर तो हम इससे ही चल जाएंगे तो भी चलने का भी शौक है हाँ चलो वैसे जगह देख रहे हैं चाय पी के मिलते हैं बल्कि चाय भी दिखाते हैं बात तो सुनो यार दो बिस्किट भी पकड़ बिस्किट कौन-कौन से पड़े बस यही है वो सुपर वगैरह कोई नहीं पड़े बिस्किट ले लो यार सुपर ले लो नहीं एक ही चाहिए कि नहीं कोई रहा ये फॉरेस्ट है और इधर कहीं इसका क्या नाम है वो है भाई ये भी इतने ठंडा हुआ पड़ा ये भी इतना ठंडा है ये मतलब यहाँ पे चीजें ठंडी हैं यार मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे ओ मैंने मास उल्टा बना भाई कपड़े चेंज कर लिए थे वो इस वजह से क्योंकि नहीं यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मैं मोहदिस हम ऊपर चला गांव वगैरह देखने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पर क्या क्या नहीं ऊपर जो पहाड़ी है वो कह रहे हैं कि रास्ता बंद है उधर नहीं जा सकते तो बाकी ये चलते हैं फिर ऊपर और फिर आपको बताते हैं ऊपर क्या अब हाइकिंग वगैरह यार देखते क्या करना है वरना बाकी तो सारे अंदर कमरों में बैठे हुए हैं और हम इंजॉय करने जा रहे हैं निकलते भाई चल